राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निवस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। उधर धरियावद गेस्ट हाउस में सीएम अशोक गहलोत ने पीड़िता से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। दौरान पीड़िता के माता पिता भी साथ थे। सीएम ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। एसपी अमित कुमार ने बताया कि महिला की शादी 1.5 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। महिला ने देर रात पुलिस में शिकायत की। इसके बाद FIR दर्ज की गई। इसमें 10 लोगों के नाम है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की निंदा की है। जाँच के लिए कमेटी गठित की है। आयोग ने राजस्थान के DGP से मामले में फौरन एक्शन लेने को कहा और 5 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम गहलोत दोपहर 1:15 बजे धरियावद में बने हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद वो सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां सीएम ने पीड़िता से मुलाकात की। धरियावद गेस्ट हाउस में पीड़िता से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। मैंने रात को ही पुलिस महानिदेशक को ADG क्राइम को मौके पर भेज दिया। BJP के विरोध प्रदर्शन और नेताओं के बयान पर सीएम गहलोत ने कहा कि BJP इस घटना की मणिपुर की घटना से तुलना कर आरोपियों की मदद कर रही है, केस की गंभीरता को कम कर रहे हैं। जिन्होंने अपराध किया है उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं कि ये सब होता रहता है। वहीं सीएम गहलोत जब पीड़िता से मिलने हेलीपैड से धरियावद गेस्ट हाउस से जा रहे थे, उस दौरान रास्ते में BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ कम को काले कपड़े हाथ में लेकर दिखाए। इसके बाद उन्होंने जंगल की तरफ भागने की कोशिश की, इससे उनके पैरों में चोटें आईं। हालांकि पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की गई हैं।